Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि does septoplasty also involve rib cartilage harvesting? उनका पूछने का मतलब ये है कि जो नाक का जो सेप्टम है जो टेढ़ा होता है तो क्या उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें रिब से कार्टिलेज निकालने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए सेप्टोप्लास्टी हम कब करते हैं, जब आपका सेप्टम टेढ़ा है या उस जिसको हम कहते क्रुकेट सेप्टम है, लंबा है, तो उसको हम लोग तराशते हैं। सेप्टम को ही तराशा जाता है, उसको सीधा किया जाता है और कई जगह उसमें स्प्रेडर ग्राउट्स भी डाले जाते हैं जिससे कि वो दोबारा उसके जो शेप है जिससे कि हम सेप्टोप्लास्टी करा रहे हैं क्रुकेट नोज के लिए, तो उसमें उसको सीधा कर दिया जाता है और उसमें हमें किसी भी तरह के एक्स्ट्रा कार्टिलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रहा कि भाई कुछ थोड़ी बहुत कार्टिलेज की हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि हमें अगर स्प्रेडर ग्राफ्ट उसमें डाल रहे हैं उसको सीधा करने के लिए, या टिप का थोड़ा प्रोजेक्शन एडजस्ट करना है कॉलोमेला में, तो सेप्टम से ही जो सेप्टम टेढ़ा है उसी से हमें इतना मटेरियल मिल जाता है कि हमें उसी से जो है स्प्रेडर ग्राउट भी बना लेते हैं और उसी से हम टिप का जो कॉलोमेला स्ट्रेट है या टिप के प्रोजेक्शन के लिए जो हमें थोड़े अल्ट्रेशन करने हैं वो हमें सफिशेंट सेप्टम मिल जाता है। तो इसलिए उसके केस में हमें रिब से कार्टिलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेप्टोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि सेप्टम को तराशा जाता है और उसको तराश के सीधा और सुंदर किया जाता है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कार्टिलेज की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्स्ट्रा कार्टिलेज की जरूरत कहाँ पड़ेगी रिब में, वो पड़ेगी अगर हमारी नाक दबी हुई नाक और वो दबी हुई नाक है हमें उसको वॉल्यूम देना है, तो अगर हमें वॉल्यूम देना है उसको उठाना है तब हमें कार्टिलेज की जरूरत पड़ती है। और इंडियंस में देखा गया कि जो हमारा सेप्टम होता है उसका कार्टिलेज जो है थोड़े पतले होते हैं, इतने मोटे नहीं होते हैं जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ हमें बल्क देना है या बहुत ही चपटी नाक काफ़ी उठाना है तो ऐसे केस में हमें रिब से काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है और उसको लेके फिर हम उसको जो है रिब कार्टिलेज को हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन प्योर सेप्टोप्लास्टी के लिए आपको रिब से कार्टिलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा उत्तर यही है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सेप्टोप्लास्टी में थोड़े बहुत कार्टिलेजेस की जरूरत पड़ती भी है तो वो हमें सेप्टम से ही मिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।